आज हम सीख रहे हैं फोटोशॉप पे इस तरह का अगर विजिटिंग कार्ड बनाना हो तो किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप फोटोशॉप खोल लें, फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू पे क्लिक करें और यहाँ कस्टम में एक साइज़ डिफाइन कर दें। साइज़ होगा 3.6 इंच बाई 2.2 इंच और रेजोल्यूशन में अपना जो 300 या 100 यू पे रखना शुरू करें। इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर लें और इसको ओके कर लें और उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है एक नया लेयर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके पैन बकेट टूल लेके, क्योंकि वाइट कलर तो हमारे पास है तो हम यहाँ से ब्लू कलर ले लेंगे, ठीक है। और उसको यहाँ से क्लिक करके ओके कर लेंगे, कंट्रोल पी नहीं दबाएंगे बल्कि स्क्यू करेंगे यहाँ से, और उसको पकड़ के हम इस तरह से कम करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ से हम इसको इस तरीके से कम कर लेंगे, ये चीज़ को इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, तो ये साइड थोड़ी कम रखनी है और ये साइड थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, इस तरह से थोड़ा सा बनाना है। और तो क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अब इसका थोड़ा सा लाइट कलर है तो इसमें पैन बकेट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा लाइट कलर लेके इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह कलर हमने अप्लाई कर दिया। अभी उसके ऊपर एक पट्टी बनानी है तो एक नई लेयर लेंगे यहाँ से, और न्यू लेयर लेने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे शेप्स पर, और जैसे ही शेप्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह का एक शेप हम ईजिली निकाल लेंगे। शेप निकालने के बाद यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पर रखेंगे शेप को, और थोड़ा सा कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शेप का कलर थोड़ा उससे तेज़ रखेंगे ताकि वो बढ़ता हुआ नज़र आए, ताकि डबल क्लिक करके यहाँ से एक छोटा बढ़ता हुआ कलर उस पर लगा देंगे। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है तो शेप पे क्लिक करके यहाँ से इसको स्किप कर देंगे, और स्किप करने के बाद इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर शो करेंगे, ठीक है। अब जब इसको इस तरीके से शो करेंगे तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा इसके ऊपर, क्लिक करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए इस तरह नज़र आएगा। अब इसके पीछे वाला शेप बनाने के लिए हम एक और नई लेयर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे पॉलीगोनल एसेट टूल पे, तीन साइड वाला एक ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल पे क्लिक करके हमने इसमें एक पीला कलर भर देना है, तो इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से एक पीला कलर ले लिया, और यहाँ से ये पीला कलर हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, इसको उठा के इसके नीचे रख देंगे, इसको उठा के इसके नीचे रख देंगे और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। फिर उसके बाद आगे ले जाने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करेंगे और इसको इस तरीके से सेट कर देंगे, इसके साथ क्लिक करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे और इसके भी नीचे ले जाएंगे इसको, तो ये देखें इस तरह से ये आपको नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। इस पर कलर शेड के तौर पर यूज़ करना है तो ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इस तरह से कलर शेड्स के तौर पर नज़र आएगा। पीला कलर चाहें पीला कलर यूज़ कर लें, जैसा शेड छोड़ना चाहें वैसा शेड आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरह से ये नज़र आएगा। उसके बाद आ जाए इसके आगे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ शेप देख रहे हैं आप ये किस तरह से बना रहे हैं, तो अपना नाम वगैरह कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे, कॉन्टैक्ट यहाँ लिखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, पहले तीन अलग सर्कल्स बना लें, यहाँ सबसे टॉप पे क्लिक करके एक नया क्लिक करें, यहाँ पे एक सर्कल हमने ये बना लिया, ठीक है। तो इसमें सर्कल्स के साइज़ भी कुछ इसी तरह के, इसको उठा के यहाँ पे सेट कर दिया, ऑल्टर करके दूसरा ले लिया और ऑल्टर करके तीसरा ले लिया। तीन लेयर्स के ऊपर ये तीन सर्कल्स आपके इस तरह से बन जाएंगे, कलर सिमिलरिटीज इसके साथ मैच होना चाहिए। अपना नाम यहाँ लिख देंगे इसके ऊपर, तो आपका जो भी नाम यहाँ लिख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहले इन सबको एक ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके ग्रुप बना रख लेते हैं डिज़ाइंस, और इस पर क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट के साथ ये सारे जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा के इस पर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, इनके स्पेस को बीच में मैनेज कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है ये एड्रेस और ये ईमेल वगैरह आप टेक्स्ट टाइप कर देंगे, कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे। अब ये कंपनी का लोगो जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये ड्रॉप को इसने इस तरह से काटा हुआ है शेप्स लेके, यानी कि ये एक ड्रॉप है उसके ऊपर एक और ड्रॉप है अंदर फिर दूसरा ड्रॉप है। फोटोशॉप CS6 में तो ड्रॉप का शेप आपको मिल जाएगा कस्टम शेप्स में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह का शेप आपको यहाँ मिल जाएगा ड्रॉप का, लेकिन उसको फिर कट करना थोड़ा सा ये इस पर एक मुश्किल अमल हो सकता है। जैसे
चलें ये वाला लोगो लगा देते हैं या ये वाला लोगो लगा देते हैं, फिलहाल इस तरह का लोगो लेके इसका बना देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और इसको बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और रखने के बाद हम इसके शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, और उसके बाद इसको जैसे इसमें से काट नहीं है, जैसे कि इस तरह से कुछ काटा हुआ है, तो इस तरह का तो कोई शेप मुझे इसमें दिख नहीं रहा कस्टम शेप्स में। अगर कोई दिख रहा है तो हम ले लेते हैं, जो ऐसे आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ हो। ये है तो सही, लेकिन ये एरो है, फिर एरो से भी शेप निकालना पड़ेगा। ये देखिए इससे हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये दो तीन है खट्टी, ये इस तरह का वेव है, ठीक है। इसको इस पर रख के काट देते हैं हम लोग, ठीक। कैसे काटेंगे इसको देखना। अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके इसका कलर हमने यहाँ से ग्रीन कर दिया सपोज टू बी, और इसको ओके कर दिया, और यहाँ पे इसको भी रेस्टराइज कर दिया शेप को, ताकि शेप जो है अपनी असली हालत से उसमें आ जाए, और इसको भी यहाँ से रेस्टराइज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से हम रख लेते हैं, या इस तरह से भी रखना चाहें, जैसे ऊपर वाले हिस्से से कटिंग करनी है इसकी, तो कंट्रोल डी करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से रख लेते हैं, और ये शेप्स को इस तरह से काट देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह काट देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रेस्टराइज कर देते हैं दोनों को मिला के, कंट्रोल जे करके दोनों की एक डुप्लीकेट ली मैंने, उसको फिलहाल ऑफ कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करके, या लेयर में जाके यहाँ से मर्ज लेयर्स पे क्लिक करके एक लेयर बना देंगे। ये लेयर अलग है, ये मैंने ऑफ कर रखी है, ये अब बना दी मैंने एक करके। अब इसको काटना ऐसे है कि भाई देखें, अब इसमें जो अलग अलग पीस हो रहे हैं उनको आपने कट करना है, जैसे कि ये ग्रीन वाले पीस कट करने हैं, तो ग्रीन वाले पीस को मैं ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो गया, ये डिलीट कर दिया, फिर इस पर क्लिक किया, ये डिलीट कर दिया, फिर इस पर क्लिक किया, ये डिलीट कर दिया। तो ये इस तरह से का जो कोई डिज़ाइन उसके अंदर बना हुआ है, तो वो इस तरह से कटिंग करके हम बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। आया समझ में, कोई भी शेप रख के ऐसे कटिंग करके बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन देखें ऐसे बन सकता है इसके ऊपर, यानी कि ये तीन लेयर्स पे था तो हमने ऐसे बना लिया। हाँ, या तो हम इसको ऐसे करते एक लेयर अलग से, फिर दूसरी अलग से, फिर तीसरी अलग करके बनाते, मतलब फिर हम उस शेप को भी मज़ीद मॉडिफाई करते। जैसे कि अगर ये शेप, इसका कंट्रोल जे कर लेते हैं, सॉफ करता हूँ इसको, तो इसको भी अगर हम मज़ीद मॉडिफाई करते तो इसमें यह था कि हम इसका एक शेप निकाल लेते और दो शेप हम इसका डिलीट कर देते। ये डिलीट कर दिया, और जो इसका ये दो शेप थे इरेजर की मदद से, ये भी हम इसमें से निकाल देंगे। अब ये बच गया एक शेप। अब इसे एक शेप को कैसे यूज़ करते हैं, ये एक हमने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है। ये एक शेप है हमारे पास, ये इसका कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट करते, इस शेप के साथ रखते, दोनों को विजिबल कर देते। अब इसको कैसे रखना है इसके साथ, ये देख लें आप, ठीक है। अब ये इसके नीचे है, ठीक है, और ये इसके ऊपर है। तो यहाँ पर इस तरह से रख के, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से काटना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे काट लेंगे। इस पर पूरा रख के काटना चाह रहे हैं ऐसे करके, कोई बीच वाला सर्किल ख़राब ना हो, पूरी कटिंग इस तरह से आ जाए, तो ऐसे काट लें इसको। तो फिर आप ये दोनों लेयर्स को ऐसे कंट्रोल ई करके मर्ज करेंगे, पहले आप इन दोनों को कंट्रोल ई करके मर्ज करेंगे, और फिर इसको इसकी मदद से इस पर से डिलीट कर देंगे। तो ये देखें शेप इस तरह का भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये ऐसे भी किया जा सकता है, मतलब ये समझाने की ज़रूरत ये थी आपको कि देखें इस तरह का जो शेप बनता है ना, पहले एक शेप बनाया था जिसमें एक ड्रॉप था, ड्रॉप के अंदर ड्रॉप एक सर्किल में था, उस सर्किल को पहले ऐसे सीधी लाइन रख के काटा गया है, फिर उस ड्रॉप के अंदर इस तरह से लाइन को रख के इस साइड से भी और इस तरह से काटा गया, फिर एक छोटा ड्रॉप बीच में बना दिया। तो इस तरह की चीज़ की आप जो है ना इस पर कोशिश हाँ, मतलब कुछ इस तरह का ही मामला है कि पहले सादा शेप काट दिया, फिर ये अलग से ड्रॉप बना के डाल दिया। मैं कस्टम शेप्स में देख रहा था, मुझे लगता है इसमें ड्रॉप तो था, ये रहा मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ड्रॉप जो है इसके बीच में फिर इसे ला के बिठा दिया, ये इस तरह से एक बना के ड्रॉप इसके बीच में रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें कोई और कलर डाल देते हैं, और यहाँ पे इसको बीच में रख देते हैं, इसके सेंटर पॉइंट में ले जाके सपोज कि येलो कलर का बना के इसके बीच में इस तरह से ड्रॉप रख देते हैं, कंट्रोल डी करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसके साथ इस तरह से। तो इस तरह से मामला थे इसके। बहरहाल शेप्स की मदद से ऐसे मुख्तलिफ शेप्स बनाए जा सकते हैं। पहले एक सर्किल बनेगा कम्प्लीट, उसके अंदर एक ड्रॉप बनेगा बड़ा सा, फिर उसके ड्रॉप की आउटलाइंस निकालेंगे,
फिर उसको पहले कटिंग वटिंग कर लेंगे, ऐसा डिज़ाइन विज़ाइन निकाल देंगे, सर्किल काट देंगे ऊपर से, बाकी हिस्सा निकाल देंगे थोड़ा बचेगा इसके अंदर, फिर बीच में इस तरह का एक ड्रॉप बीच में लगा देंगे। तो कोशिश करना बनाने की, वरना कोई और दूसरा शेप लगा के इसके ऊपर लगा देना जो बन जाए आपसे, तो ये इस तरह से बनेगा। अब रह गया बाकी ये वाला मामला, तो देखो इसमें तो यही यूज़ होंगे शेप्स ना, तो जैसे आपने तीन ड्रॉप बनाए हैं तो वो तीन ड्रॉप इस डिज़ाइन के अंदर हैं जो आपने इसके अंदर बनाए हैं। तो पहले वाले पे क्लिक कर लें, उसके अंदर कस्टम शेप्स में चले जाएँ, तो पहले में तो ये ड्रॉप का साइन ही लगेगा जो उसको शो करेगा क्या कहते हैं एड्रेस को, हाँ लोकेशन को शो करेगा। यहाँ से ले लेते हैं इसको, तो यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर ये रख देंगे नीचे वाले पर। अच्छा पहला लोकेशन वाला था, तो चलो उसको उठा के सबसे ऊपर रख देंगे, यहाँ पे उठा के इसमें रखेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे। दूसरा उसके अंदर किस चीज़ का साइन है, ईमेल का साइन है, कस्टम शेप्स करेंगे, अभी होगा ईमेल का साइन भी इसके अंदर, तो यहाँ से देख लेते हैं और नीचे आ जाएंगे। तो ये रहा ईमेल का साइन, तो ये ईमेल का साइन लगा देंगे इसके अंदर। दोनों एक ही लेयर पे आ गए, तो इसके लिए पहले एक नई लेयर बना लें और फिर उसको ड्रॉ कर लें और उसको उठा के इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, दोनों कलर सेम है इसलिए एक जैसे नज़र आ रहे हैं। डबल क्लिक करके ये वाला कलर ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी एक फ़ोन का साइन बना के नंबर वगैरह डाल देंगे, यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा, तो इस तरह का डिज़ाइन कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ नोट कर लें, इसका साइज़ आपने रखना है कार्ड का 3.6 इंचेस की विड्थ होगी और 2.2 इंचेस की हाइट होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन 100 या 300 जो भी रखेंगे उस पे आप रख के इसको बना लीजिए। चलिए भेज रहा हूँ ये व्हाट्सएप में, बना लें इसको बैठ कर। दूसरी बात देख लें, अपने अपने कंप्यूटर भाई ले लें कुछ पैसे जमा करके। अब क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी फिर टाइम आपका कम होता चला जाएगा, क्योंकि अब समझाने में टाइम लग जाता है। अब मैं अगर ये लोगो बनाने बैठ जाता ना तो आपकी तो हो गई थी प्रैक्टिस बैठ के, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अब ये कि देखो घर पर कंप्यूटर होगा, भले महंगा नहीं लो, छोटा मोटा ले लो भैया, इतना महंगा नहीं ले सकते। सही होगा कि घर पर आधा एक घंटा तो काम कर लोगे ना, और जैसे आजकल गर्मी है कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, जून जुलाई के महीने आएंगे तो भाई चलो ठीक है, नहीं आ पाए तो मैसेज कर दिया ऑनलाइन क्लास का, तो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर दी, क्लास आ गई, आपने बैठ के घर पे काम कर लिया। जो दो घंटे एक घंटा लाइट आती है उसके अंदर काम कर लें, मकसद इतना है कि जो कर सकें। रात में लाइट होती है देर तक, थोड़ा रात में बैठ के काम कर लिया, तो उससे ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी तो हो जाएगी ना, आपका काम तो समझ में आ जाएगा ना। कंप्यूटर की तालीम में स्कूल की तालीम में फ़र्क है, स्कूल में जाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट में पढ़ता है, यहाँ पे है सीखने वाला काम। अब माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं, तो आपके पास अपना कंप्यूटर या वो क्या